पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत की जमकर तारीफ की। बुधवार को पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया है। नवाज शरीफ इस बार के आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और वो खैबर पख्तूनवा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अपने चुनावी अभियान की तैयारी के दौरान नवाज शरीफ बार बार भारत का जिक्र कर उसकी तारीफ कर रहे हैं। मंगलवार को ही नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है उसके लिए ना तो भारत और ना ही अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आज जो हालत है उसके लिए न तो अमेरिका न ही भारत जिम्मेदार है, बल्कि पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद बुधवार को भी शरीफ ने कुछ ऐसी ही तारीफ की है। हमारा पड़ोसी चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर भी नहीं उठ पाए हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है। बता दें कि ये चौथी बार है जब नवाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक कार्यक्रम में बोलते वक्त भारत की कामयाबी की ओर इशारा किया। उन्होंने पाकिस्तान की बदहाली पर बात करते हुए इशारों में भारत से तुलना की। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क कहां पहुंचा होता, हमारे आसपास के मुल्क चांद पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से तो देश नहीं चल सकता। शरीफ, जिन्होंने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में वरिष्ठ न्यायाधीशों को उन्हें सत्ता से हटाने के लिए मजबूर करने के लिए 2014 से 2017 के सैन्य प्रतिष्ठान को दोषी ठहराया था, उन्होंने स्थिति के लिए उच्च न्यायपालिका पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब वो संविधान तोड़ते हैं तो न्यायाधीश उन्हें माला पहनाते हैं और उनके शासन को वैध बनाते हैं। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो न्यायाधीश उन्हें पद से हटाने पर मुहर लगाते हैं। 4 साल की लंबी अवधि के आत्म निर्वासन के बाद अक्टूबर में देश लौटे नवाज शरीफ ने 2017 में उन्हें सत्ता से बाहर करने की भूमिका के लिए पूर्व ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद पर भी जुबानी हमला किया है। हमेशा भारत के विरोध में बयान देने वाले पाकिस्तानी नेताओं का भारत के लिए तारीफ करने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? इससे नवाज शरीफ को आगे आने वाले चुनावों में क्या फायदा पहुंचता है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।